आधार कार्ड को बैंक और मोबाइल से लिंक करवाने को लेकर छिड़ी बहस के बीच रायबरेली में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे इसकी अहमियत समझ आती है। मामला रायबरेली सरेनी थाना क्षेत्र के रालपुर स्थित स्वामी सूर्य प्रबोध परमहंस इंटर कॉलेज अनकपुरम का है, जहां एक बुजुर्ग भिखारी पहुंचा जो कई दिनों से भूखा लग रहा था। स्कूल के संस्थापक स्वामी भास्कर स्वरूप महाराज ने बुजुर्ग को अपने पास बुलाया। बुजुर्ग ने इशारों से भूखे होने की बात बताई, जिसके बाद स्वामी जी ने उसे भोजन करवाया। जब उसके गंदे कपड़े धुलने को देने के लिए निकलवाए गए तो उसमें से आधार कार्ड, एक FD और तिजोरी की चाबी भी मिली। उस FD की कीमत देखकर सबके होश उड़ गए। FD की कीमत 1,06,92,000 थी, जिसके बाद आधार कार्ड के आधार पर उसका पता लगवाया गया तो उसकी पहचान तमिलनाडु निवासी मुथैया नादर के रूप में हुई। आधार में दर्ज फोन नंबर से उसके परिजनों से संपर्क किया गया और उन्हें मुथैया के यहाँ होने की जानकारी दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही परिजन राय बरेली पहुंचे और उसे प्लेन से वापस ले गए। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।